जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की सरसताल ग्राम पंचायत की रानी बुढ़ार और ग्राम राय जिला के 270 मतदाताओं ने एक होकर 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने एक स्वर में वोट न देने की चेतावनी इसलिए दी कि उनके गांव में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली पानी और सड़क की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्या के समाधान को लेकर सरपंच, सचिव से लेकर विधायक, कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई और इसी उदासीनता के चलते यहां के ग्रामीणों ने मतदान करने बहिष्कार का ऐलान किया। कलेक्टर का कहना है, कुछ गांवों से मतदान के बहिष्कार की खबरें मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन की टीम नाराज ग्रामीणों को समझाइश देकर मतदान करने का संकल्प दिला रही है। रानी बुढ़ार मोहल्ला से राजिला टोला तक कोई लाइट की व्यवस्था ना, रोड की व्यवस्था, अभी तक हम हेल्पलाइन में भी कर डाले, हमारे पास बहुत से कागजात अभी हाथ में है। तो मुख्यमंत्री तक हम सुनाई करे, नेता जो तन लसवला, कलेक्टर महोदय का कितना बार हो चुकी, तो हम यह समस्या हल करने के लाने हमारी यहाँ कोई विकास आता, सिर्फ वोट के समय में सब नेता जो आते हैं और शासन करके और फिर भग जाते हैं, दोबारा कभी लौट के नहीं देखे। अभी क्या निर्णय लिए हो आप लोग? अभी निर्णय है सर हमारा कि ये हमारे गांव के विकास हो, इसके वजह से हम वोट रोक करे गए हैं। अभी तक देखो हमारी परेशानी, हम कैसे जंगल के अंदर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई अभी सीसी रोड बन पाया ना, अच्छी रोड बन पाया, बाल बच्चे आते जाते हैं, हम अंधेला के अंधेले, कभी उजेला नहीं मिल पाया हमको। गांव वालों ने क्या निर्णय लिया है इस बार? इस बार अच्छा भी 1-2 किलोमीटर से पैदल आते जाते हैं, हमारे रोड के साधन भी नहीं है, साथ साथ में पानी भी नहीं है, और हमारे यहाँ नदी नाला 2-3 ठे पड़ रहे हैं, उनमें नदी नाला में लड़का बच्चा सब बिल्कुल धूप और फिर ये पानी बारिश में परेशानी आ जाता है। इसलिए हम कई बार नेता लोगों को हम आवेदन दे चुके हैं और कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, हमारे पास लाइट भी नहीं है, न पानी के साधन भी नहीं है, इसलिए हम इस बार अब कीदाम हम चुनाव के प्रक्रिया से हम पूरे गांव की सहमति होकर और हम मतदाता केंद्र को हम देने के लिए नहीं चाहते। जब तक हमारी सुनाई नहीं होगा तब तक हम मतदाता देने के लिए हम नहीं जाएंगे मतदाता केंद्र में। मेरे पास 5-6 खबरें आई, सभी जगह पे हमारी टीमें गई हैं, उन्होंने लोगों से बात की और थोड़ी देर लोग कन्विंस हो रहे हैं। अभी आज भी दो और नई खबरें आई, वहाँ भी टीमें जा रहे हैं। बड़ी स्पष्टता है कि जो मांग की गई है वो हम पूरी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो हमने उनको अश्योर किया कि हम आपका मामला इस लेवल पर पेंडिंग है और हम इसको चुनाव के कोटा कनेक्ट के बाद ऐसे पूरा करा पाएंगे। मैंने ये महसूस किया कि कोई बड़ी सरकारी वहाँ पहुँच कर बात करता है तो लोग उसको बहुत जल्दी समझते हैं, उसकी बात का मान भी रखते हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का सवाल है, इसमें हमारी भी गलती रही होगी कि हम उस व्यक्ति को बता नहीं पाए कि आपका काम ऐसे पूरा हो पाएगा। और कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ है कि इसी बहिष्कार की उनकी जो धमकी आई उसके बाद भाइयों ने काम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है दोनों तरफ से गलतियां रही, हमारी गलती इसमें ज़्यादा रही, हम लोग उसको अल्टीमेटली पूर्ति करा रहे हैं और जहां जो काम हम अभी नहीं कर पाए वो हम लोग कोटा कंडे बात कराएंगे। तो हमने लोगों को अपील की है कि आपको जिसको वोट देना है वोट दें, फ्री फेयर पोल में शामिल। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाय की रिपोर्ट।